अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संगठन के आह्वान पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर सेक्टर 12 पार्क में धरना दिया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की मांग को लेकर यह धरना पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर दिया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को पक्का करने की मांग मुख्य रूप से है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी संगठन सभी मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार द्वारा मानी गई मांगों को पूरा करने का आह्वान कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सुचारू रूप से चालू करेंगे तो इस कड़ी में हमारे हिंदी के 100 कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान साथी नरेश वो आएंगे। भैया जो जगह है ना ये भर दो थोड़े से साथी, ये मीडिया के साथी है कभी खाली ही जगह नहीं पावे। वहां तो हमने भी पता सरक दे क्यों नहीं, क्योंकि नीचे होश है जोन सजड़ा बैठ गया अपनी होश दब के बैठ गया इसका कोई दबना चंदो पता होने ये कौन है नहीं चाहते। लेकिन साथियों जब जगह खुली ही रहेगी तो कहीं ना कहीं फोटो में भी जो जगह होगी वो थोड़ा गलत मैसेज जाओ। आ जाते कि मारे किशन सर ने तीन जगह अपना होश दब ली संदी दबते भाई साथियों हरियाणा सरकार दुर्गा। तो प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा? आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जो पूरे देश का संगठन है जिससे सरकर्मचारी संघ संबंधित है उस संगठन की काल है पूरे देश के अंदर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल करने के लिए पूरे देश के अंदर आज जिला स्तर पर प्रदर्शन और वही प्रदर्शन करने के लिए आज हम यहाँ करनाल जिले के साथी इकट्ठा हुए। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग सरकर्मचारी संघ हरियाणा लगातार उठाता है, लेकिन सरकार पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी ऐसी बना देती है कि जिसमें लगभग हमारा 95 से 98% कच्चा कर्मचारी पक्का होने से वंचित रह जाता है। तो सरकर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि जो 10 साल की पॉलिसी हुड्डा सरकार के टाइम में बनी थी उसको रिवाइज करती है, उसका 3 साल की बनाया जाए और उस पॉलिसी से सभी शर्तें हटा के बिना शर्त के जो विभाग में कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है जिसको 3 साल काम करते हो गए उसको पक्का किया जाए। दूसरा मुद्दा है हमारा पुरानी पेंशन पॉलिसी का, मतलब 2006 के बाद हरियाणा के अंदर 2004 के बाद केंद्र सरकार के अंदर जो पुरानी पेंशन पॉलिसी थी उसको समाप्त कर दिया गया जिसके अंदर एनपीएस लागू किया गया जिसमें कुछ पैसा कर्मचारी का कटता 10% और 10% गवर्नमेंट की तरफ से इसमें शामिल किया जाता। तो लेकिन ये ज्ञापन देंगे आज डीसी को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम पूरे देश के लिए और एक ज्ञापन देंगे हम मुख्यमंत्री को 20 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री से जो सरकर्मचारी संघ की बातचीत हुई थी और जो मांगे मानी गई थी उनको आज तक लागू नहीं किया गया तो एक ज्ञापन हम उनको देंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।